हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ABC एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास वेयर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो आज हम इस वीडियो में 26 से लेकर 50 तक के बीच के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आप अपकमिंग SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। इस बुक के रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के क्वालिटी क्वेश्चन को मिलाकर हमने इसमें सॉल्यूशन के साथ 15 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 26 टू 50, इसका बेस जो होता है 50 होता है, 50 को बेस मानकर हम बनाएंगे। तो अगर आपको, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1 से लेकर अगर 25 तक का स्क्वायर आपको अगर याद है तो आप ईजिली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, 49 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 50-49 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, 25 में से, याद रखना है हमेशा, अगर हम 26 से 50 तक का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमेशा 25 से 1 घटा देना है, तो कितना आएगा, 24। और एक और चीज़ याद रखना है, जब भी हम ये जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसको हमेशा 2 डिजिट में रखना है। यहाँ पे 1 आया तो इसको 2 डिजिट में करना है, तो हम इसके पहले एक 0 लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पे फाइनली जो आंसर होगा 2401 होगा। तो 49 का जो स्क्वायर होता है 2401 होता है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करेंगे, 50-37 करेंगे तो हमारा 13 आएगा। अब देखिए 13 आया यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 161, और फिर 25-13 करेंगे तो 12 आएगा। अब मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा 2 डिजिट में रखना है, यहाँ पे 3 डिजिट में आया है, तो हम क्या करेंगे, 69 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसका जो 1 है इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा 12+1 कर देंगे 13 आएगा। तो 37 का जो स्क्वायर होता है 1369 होगा। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, 43 का स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, 50-43 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 आएगा, और 25-7 करेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर जो 49 आया है 2 डिजिट में है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको फाइनली इसे एज इट इज़ लिख देना है। तो 1849 जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्या करना है, पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए 28 का स्क्वायर निकालना है, तो 28 पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि 50 से 28 को माइनस करेंगे, तो 50 से 28 माइनस करेंगे तो हमारा 22 आएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये क्लियर है, सबसे पहले ये लिख लेंगे। अब क्या करना है हमको, 25 में से 22 घटाना है तो हमारा 3 आएगा। और मैंने ये बताया था कि हमें लास्ट में 2 डिजिट रखना है स्क्वायर का, तो ये 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 784 आ जाएगा। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 47 है। तो 47 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप 50 से 47 माइनस करेंगे, तो 50 से जब 47 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अब ये देखिए 9 जो है हमारा सिंगल डिजिट में आया है, तो इसके पहले हम 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 25 में से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 22। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 47 का स्क्वायर 2209 होगा। ये क्लियर है। अब 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 50 से कितना कम है ये देखेंगे, तो 50-41 करेंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, इसको लिख देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 25 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। और ये देखिए स्क्वायर हमारा 2 डिजिट में आया है, इसलिए 16 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई भी नंबर जोड़ना नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो 41 का जो स्क्वायर होगा 1681 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास के PDF को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।